हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम बैक टू अवर चैनल साई स्थिति अंशु ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और सेहतमंद होंगे। मैं आज ये देसी स्टाइल में चिकन बना रही हूँ कुकर में, और चिकन भी देसी ही है। और उसके लिए तेल गरम होते ही मैंने उसमें ले लिए थे तड़के के लिए खड़े मसाले, ज़ीरा और बे लीफ। और साथ में ये जो चिकन है इसको मैंने हल्दी के साथ मैरिनेट करके अलग से रख लिया था साइड में। और आलू भी काट लिए थे इस तरह से बड़े बड़े शेप में, क्योंकि मैं कुकर में बना रही हूँ। साथ में यह है हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और साथ में एवरेस्ट का चिकन मसाला। सब कुछ मिक्स करके 3 से 4 मिनट के लिए इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। जब तेल निकल जाएगा उसके बाद मैं बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। और अभी मैंने एक टमाटर इसमें काट के डाला है। ये टमाटर वाला कभी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि देसी वाले जो ये जो तरी वाले चिकन होते हैं ना, इसमें टमाटर ही स्वाद बढ़ाते हैं। तो ये एक छोटा सा देसी टमाटर है जिसको मैं ऐड कर रही हूँ इस पर। जैसे ही कुक हो गया इसमें मैंने डाल दिए 1 चम्मच नमक। और उसके बाद इसको थोड़ी देर चलाने के बाद, मैंने यहाँ पर तेल का इस्तेमाल कम ही किया है क्योंकि चिकन में से वैसे ही तेल निकलते हैं। तो अभी मैं ऐड कर दूँगी इसमें चिकन। ये चिकन में भी काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, तो ऊपर से पानी कभी भी ऐड ना करें। और ये चिकन को थोड़ी देर में मसाले में भूनने के बाद इसमें जो आलू मैंने काट के रखे थे वो डाल दिए। इसको मैं भून लूँगी। और अभी मैं कुकर को इसमें लीड भी लगा दी थी पानी डालने के लिए। इसके बाद ये 10 से 15 मिनट हैं इसमें, और इसमें से जो पानी निकला था ये सूख गया है अच्छे से। अभी मतलब अभी मैं और 10 से 15 मिनट इसको लगाऊंगी सीटी, मतलब सीटी मैं पूरा नहीं दे रही हूँ क्योंकि इसमें से ऐसे ही पानी निकलते रहते हैं। तो ये जब पूरा ये जो नॉनवेज वाला ये जो पानी है ना, जो स्मेल वाला पानी है, जब सूख जाए उसके बाद ही ऊपर से पानी ऐड कीजिए। अब ये देखिए आराम से ये हो गया है एकदम अच्छे से कुक। इसके ऊपर मैंने पानी थोड़े से गर्म करके रखे हुए थे, मैं वो ऐड कर रही हूँ। कभी भी नॉनवेज बनाते हैं तो पानी जब भी ऐड करें याद रखे गर्म पानी ही ऐड करें, ठंडा पानी बिल्कुल भी ऐड ना करें, इसमें स्वाद ख़राब हो जाते हैं। तो स्वाद के हिसाब से थोड़ा सा और नमक डाल के मीडियम फ्लेम में 1 सीटी लगने के लिए मैंने छोड़ दिया। कुकर को मैंने कर लिया था साइड में, और साथ में यहाँ पे मैं दूध उबाल ले रही हूँ। और उसके बाद कुकर में से जब अपने आप सीटी रिलीज हो जाएगा तभी मैं लीड हटाऊँगी। अभी देखिए कितना मस्त कलर आया है, और मैंने कितने कम तेल डाले थे, लेकिन जैसे कि मैं बोल रही थी कि तेल इसमें ऐसे ही चिकन में रहता है तो वो आ जाएगा। ऊपर से मैंने थोड़े से और धनिया पत्ते ऐड किए हैं। और चिकन खाने के बाद मेरे हस्बैंड को बहुत टेस्टी लगा था ये। और ये एकदम सिंपल सी देसी वाले स्टाइल के ये चिकन है। आपके एरिया में अगर ये मिलता है ज़रूर से इसे ट्राई कीजिए। तो अभी मैं ये सर्व कर रही हूँ मेरे हस्बैंड को। टिफ़िन में भी चिकन और चावल ये ले लेंगे, टिफ़िन में मैं तुरंत पैक कर लूँगी। मैं थोड़ा सा ठंडा करके टिफ़िन पैक करती हूँ, क्यों वरना वो जब 2 से 3 बजे के तक खाएंगे तो ये ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ फिर इस टिफ़िन में मैं पैक करती हूँ। अभी उनको टिफ़िन पैक करके दे दूँगी, और उनको मैंने ब्रेकफास्ट भी ऑलरेडी सर्व कर लिया है। अभी फिर मुझे साइंसों के पीछे लगना है। वो उठ के अभी आपने उसको देखा, उसकी बदमाशी, मुझे उसको तैयार कर खाना तो मैं उसे खिला चुकी हूँ, तैयार करके मुझे उसके लेके जाना है स्कूल। ऐसे रहते हैं हमारे दिन। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। ज़रूर से बनाएं हमारी ये रेसिपी, और मुझे कमेंट में बताएं कि कैसा लगा। अगर कुछ भी मेरे चैनल में और इम्प्रूव कर सकती हूँ मुझे ज़रूर से बताएं। और यहाँ तक हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया। मिलती हूँ आप लोगों से एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने साथ साथ अपने घर वालों का। धन्यवाद। नमो गंदे ठाकुर नमो गंदे।
छड़ होती है, तब फिर आता है वापस का कटनी होती है। Thank you.